कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर में बड़ा बयान दिया है। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना आने के बाद सही मायनों में अब आजादी मिली है, अब गांव का विकास होगा, स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को ऋण मिल सकेगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि जबलपुर में मटर प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, लेकिन कृषि मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि ज्यादा उत्पादन के चक्कर में किसान ज्यादा खाद का उपयोग कर रहे हैं, इससे मिट्टी जहरीली होगी और बीमारियां बढ़ेंगी। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गौधन योजना लागू करने की बात कही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की विश्वसनीयता कम हो गई है, जहां जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जाएंगे वहां कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये अब गांव में विकास अब पहुंचा है, सही मायने में आजादी गांव के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है और उसमें गांधी जी के सपनों को भी उन्होंने साकार किया। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास ही देश का विकास होगा, लेकिन 60 साल कांग्रेस की सरकार ने किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ पंजाब हरियाणा में चलवा, इसलिए वो प्रायोजित है, वहां पर आड़त प्रथा है, किसान मंडियों में माल डायरेक्ट नहीं बेचता, आड़त के आड़तियों के माध्यम से बेचता है, किसान से समर्थन मूल्य पे खरीदी होती वो आड़तियों के माध्यम से होती थी, पहले तो आड़तियों के खातों में पैसा जाता था, आड़तियां बाद में किसान को देता था और इससे किसान का शोषण होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून में संशोधन करके 3 कृषि कानून, ये किसानों के हित में, इससे किसान की आय बढ़ेगी, किसान आत्मनिर्भर होगा और 2022 तक का जो लक्ष्य है उनका किसान की आय दोगुना करना उसमें पूरा होगा। और इसलिए कहीं आंदोलन, मध्य प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है, कृषि प्रधान है हमारा, लेकिन कहीं आंदोलन है क्या? कांग्रेस ने बहुत प्रयास किए, देखिए वो कांग्रेस का काम है, कमलनाथ जी का काम है, कितनी बैठकें करें कुछ भी करें। कमलनाथ जी ने जनता के साथ धोखा किया, हर वर्ग के साथ धोखा किया, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा और इसलिए हर वर्ग उनको धक्का दिया चुनाव में, इसलिए कांग्रेस को उन्होंने खत्म कर दी और जितनी बैठकें करेंगे और खत्म होंगे। जहां जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जाएंगे वहां निपटेंगे। ये अब